ये पहनना ही काफी नहीं। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में सर्दी के असर से बचने के लिए बॉडी को अंदरूनी गर्मी भी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, तो ये आप अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड करके कर सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे खाने से सर्दी जुकाम जल्दी ठीक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। गुड़ खाने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप गुड़ और मूंगफली खा सकते हैं, या गुड़ को दूध में भी मिला सकते हैं। तिल भी सर्दियों में खाना अच्छा होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। बता दें कि तिल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ भारी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल मिनरल्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को इसे खाने से कई फायदे होते हैं। तिल के लड्डू आप इस मौसम में जरूर ट्राई करें, या तिल से अपनी डिश को गार्निश करें। खजूर एक ऐसी चीज है जिसे आपको सर्दियों से बचने के लिए खाना चाहिए। इनमें विटामिन ए और बी काफी मात्रा में पाया जाता है, और इसकी तासीर भी गर्म होती है, जिसको सर्दियों में खाने से बॉडी अंदर से गर्म रहती है। खजूर को आप ऐसे भी खा सकते हैं, या इसकी चटनी भी बना सकते हैं। खजूर से इस सीजन में केक भी बनाया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि सर्दियों में मूंगफली खाने का मजा अलग है। ये आपकी बॉडी को गर्म भी रखती है। ये हमारे शरीर के मिनरल्स और विटामिन की जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। तो इस मौसम में भी मूंगफली को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। सर्दी में हल्दी वाला दूध भी बहुत लाभदायक है। दूध का सेवन पूरी सर्दी किया जा सकता है, और इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए आप शहद भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर को गर्माहट देती है। आप सर्दी में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सर्दियों में सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी खुद को इस तरह गर्म रखें। और ऐसे और भी यूजफुल टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब